चांद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सब का है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। भाई और बहनों, देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी, उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान तक जुटा पाने मुश्किल है। मेहनतकश कामगार के परिश्रम का मोल कम होता जा रहा है। रसोई की महंगाई बार बार मेरी बहनों की अग्नि परीक्षा ले रही है। किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चियां बेरोजगार है। गरीब जितना जोर लगा ले, उसके पास शक्ति, सफलता और रोशनी पहुंच नहीं पा रही है। साथियों, आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसका लोकार्पण अभी अभी हुआ और जिसके बारे में प्रियंका ने विस्तार से आपको बताया है। तो भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।